जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सरकार को कम से कम सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्देश दिया है, जो जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के जेई सिविल और जम्मू कश्मीर पीएसआई एग्जाम की जांच करेगा। न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल की एकल पीठ ने ये कहा कि अपने स्वयं के चूक और आयोग के कार्य से जेके एसएसपी का कामकाज सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने में विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग जिला में उन्हें दिए गए सरकारी आवास को वीरवार को खाली कर दिया। इससे पहले वे 28 नवंबर को उन्होंने श्रीनगर के गुपकार स्थित सरकारी आवास को खाली कर चुकी हैं। अनंतनाग आवास को लेकर अधिकारियों ने बताया कि महबूबा मुफ्ती समेत 8 पूर्व विधायकों को सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जम्मू में पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। पार्टी नेता यहां ढोल की थाप पर जमकर थिरके। वीरवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि गुजरात की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। इस चुनाव में भाजपा को बंपर जीत मिली है। उन्होंने कहा कि गुजरात में एक बार फिर कमल का फूल खिलने गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस में जश्न का माहौल देखने को मिला। जम्मू में पार्टी नेताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान पार्टी नेताओं ने जीत के लिए हिमाचल की जनता का आभार जताया। बता दें कि शुरुआती रुझानों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बना रखी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की नजा बेगम ने हाजिन निर्वाचन क्षेत्र से हाजिन ए डीडीसी सीट पर 423 मतों से वीरवार को जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की नजा ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अपने निकटतम प्रतिबंधी उम्मीदवारों के खिलाफ 2606 वोट हासिल किए। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान अपने क्षेत्र के विकास और स्थानीय मुद्दों पर रहेगा। साथ ही उन्होंने उन सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनके समर्थन किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने विजयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम बबल गुप्ता जिला कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर पार्टी ने लड्डू बांट कार्यकर्ताओं में खुशी मनाई, तो वहीं बबल गुप्ता ने कहा कि ये मुबारकबाद है कि हिमाचल की जनता ने भाजपा के झूठे वादों को नकार दिया है। और वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक बड़ा बहुमत मिला है जिसने भाजपा को जवाब दे दिया है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने वीरवार को श्रीनगर की प्रेस इनक्लेव में धरना दिया। इस दौरान इन्होंने छीन कर लेकर अपना हक और कहा कि पिछले 12 सालों से हम लोग अपने हकों की आवाज उठा रहे हैं, परंतु सरकार ने हमें सिर्फ झूठे आश्वासन दिए हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द 6 महीने के वेतन को जारी करने और विभाग द्वारा जारी किए सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने की मांग की। जम्मू शहर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। लगातार शहर में चोरी की वारदातें पेश आ रही हैं। इसी के चलते बुधवार की रात को चोरों ने सतवारी के अशोक नगर में एक कपड़ों की दुकान को निशाना बनाया और वहां से तकरीबन 50 से 60 हजार के कपड़े और 46,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं दुकान के मालिक ने पुलिस से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। कश्मीर घाटी में लगातार पड़ रही भीषण ठंड के चलते विश्व प्रसिद्ध डल झील के साथ साथ पानी के कई स्रोत जमना शुरू हो गए हैं। वीरवार को श्रीनगर की डल झील के अंदरूनी इलाकों में कुछ हिस्सों में पानी की ऊपरी परत जम गई। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 8 और 9 यानी आज और कल जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। रामगढ़ ब्लॉक पंचायत गोक ब्राह्मणा में सरपंच रामपाल शर्मा ने 2.5 लाख की लागत से गली नाली के निर्माण कार्य शुरू करवाए। सरपंच ने बताया कि लोगों की पुरानी ये मांग थी। ग्राम सभा में भी इस मांग को रखा गया था और इसी के चलते वीरवार को निर्माण कार्य का उद्घाटन कर इस काम को शुरू करवाया गया। सरपंच ने कहा कि आने वाले दिनों में पंचायत में और भी विकास कार्य करवाए जाएंगे।